नमस्कार साथियों, आईएमपी के साहू से जी मेरे कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने वर्ग तीन का कार्ड आप अपलोड किए थे और आप तक पहुंचा और बहुत लोगों ने इसको इस कट ऑफ को थोड़ा सा सही माना, कुछ लोगों ने गलत भी माना। मैंने कमेंट पढ़ा आप सभी का और कुछ लोगों ने अपना नंबर भी बताया। मैंने बोला था कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक लिंक है वहां पे ऊंट कीजिए, लेकिन आप लोगों ने उसमें ध्यान नहीं दिए होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जाकर अब उसमें लिंक दिया हुआ है, आप ऊंट कर सकते हैं। तो मैं आज इस बारे में बात करने वाला हूँ कि मैंने बोला कि मैं 25,000 लोगों से कंपटीशन है, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर वहां तो आर्ट्स वाले भी हैं, डीएड बीएड जिसका नहीं वो भी है, नॉइस वाले हैं, तो क्या उस पर उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा जो वर्ग तीन है, जो डीएड बीएड किए हैं, जो उसको प्रभाव हम पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, आपका भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं कट ऑफ बहुत निम्न जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि डीएड बीएड नहीं हुआ इसलिए, टीटी नहीं है इसलिए। आप बहुत बड़े धोखे में हो कि डीएड बीएड नहीं है, टीटी नहीं है, तो हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कैसे सोच ले कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो हमारे लिए सबसे बड़े रुकावट है। वही जो डीएड बीएड और टीटी नहीं किए वही लोग सबसे ज्यादा रुकावट है, उनके लिए जो डीएड बीएड किए उनके लिए। देखिए कैसे समझिए, ध्यान से समझना, बहुत ही लॉजिकल और अनुभव की बात कर रहा हूं मैं। बेरोजगारी जो है ना, दिल से जब निकलता है तो बड़ा तड़प महसूस होती है, समझे, मजाक की बात नहीं है, फिर समझिए। खिजा कमेंट कर देना कोई आसान बात नहीं है, अब थोड़ा सा उसमें गहराई में सोचिए, अपने बेरोजगारी के बारे में समझिए। जो बेरोजगार है ना, जिसकी उम्र 40 वर्ष होने जा रहे है, वो जानता है इसका महत्व। जो बेरोजगारी देख रहा है ना, जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, वही इसके मतलब को समझ सकता है। मैंने भी पेपर दिलाया है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझिए यार। अब मैं आप बोल क्या रहे हो और मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा रुकावट है जो डेट बेट ने की और पेपर दिलाए हैं, यदि उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा समझिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण मान लीजिए हमारे पास 100 पोस्ट है किसी भी क्षेत्र के, चलिए मैं बोलता हूँ 100 पोस्ट है शिक्षक के लिए। अब कोई भी वर्ग तीन वर्ग दो जो कोई भी हो, शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए क्या चाहिए, डीएड बीएड है ना, और टीटी सीजीटेट। कई लोग सीटेट को भी आप कमेंट करके बोले थे ना, सीटेट मान्यता, सीएट मान्यता नहीं देगा, क्यों देगा भाई उसको, सीजीटेट ही मान्यता रहेगा, सीजीटेट का उल्लेख तो किया नहीं है। आप क्या टीटी पास ऐसे बोला गया है, सीजीटेट का उल्लेख किया गया होती है, ठीक है। अब देगा तो हम जान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो 99% सीजीटेट को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, यदि 100 पोस्ट है जिसमें हमको मंगा गया है योग्यता डीएड बीएड और सीजीटेट, चलिए अब 100 पोस्ट के लिए पेपर दिलाए हैं 1,000 लोग, एग्जाम दिलाए हैं 1,000 लोग, ठीक है, लेकिन हमको तो ये पता नहीं है ना कि इतने 1,000 में कितने लोग डीएड बीएड किए हैं, कितने लोग टीटी पास है, या दोनों, हमको थोड़ी पता है, किसी को नहीं पता रहता। लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो हो सकता है व्यापम हो, चाहे जो विभाग इसको परीक्षा ले रहा हो, वो 1:3 में बुला रहा हो, मतलब एक पोस्ट के पीछे 3 लोगों को सत्यापन के लिए बुलाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 में बुलाया, तो कितने लोगों को बुलाएगा, केवल 300 लोगों को बुलाएगा, लेना है 100 जनी को, बुलाएगा 300 लोगों। अब आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं, 500 लोग तो ऐसे लोग हैं जो डीएड बीएड और टीटी नहीं किए हैं, डीएड बीएड और टीटी नहीं किए हैं, ठीक है, और हो सकता है इन्हीं 500 में से जब 300 लोगों को बुलाया गया है, 100 लोग ऐसे निकल गए
100 लोग हैं इसमें 300 में जो डीएड बीएड टीटी नहीं किए हैं, ठीक है, डीएड बीएड और टीटी नहीं किए हैं। बारीकी से समझना, बहुत लॉजिकल की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है हाईएस्ट नंबर 110 गया हो और 300 नंबर में, ये फर्स्ट नंबर का है और 300 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो 300 नंबर में जिसका नंबर आया है वो 90 नंबर का है। ये 300 नंबर में है जिसको बुलाया गया है सत्यापन के लिए, वो 90 नंबर आया उनका। और 301, 302 और 302 जिसका रैंक आया है उसका 89, इसका 88 और इसका 87 आ रहा हो, तो इसको तो नहीं बुलाया गया है ना, क्योंकि यही तक बुलाया, क्योंकि 300 लोगों को बुलाया सत्यापन के लिए और इन्हीं में से 100 लोगों को लेगा। जब सत्यापन के लिए बुलाया गया तो 150 लोग नहीं गए, चलो 100 लोग नहीं गए, 100 लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्योंकि उनको बुला गया है कि जिसकी डीएड बीएड और सीजी टेट होना चाहिए, इनके पास तो नहीं, लोग नहीं गए। तो कितने लोग जाएंगे यहाँ सत्यापन के लिए, कितने लोग जाएंगे, केवल 200 लोग जाएंगे, और लेंगे कितने, केवल 100 लोग। तो सबसे सत्यापन के बाद जो है काउंसलिंग के लिए 100 लोगों को बुलाएगा, ठीक है, लेकिन इन्हीं में से 50 लोग अन्य विभाग में शिक्षक के अलावा उसको बड़े पोस्ट मिल चुका है, इसलिए इस काउंसलिंग में नहीं गया, सत्यापन में गया था लेकिन काउंसलिंग में नहीं गया। तो कितने लोगों को लिया अभी, केवल 50 लोगों को लिया, ठीक है, 50 लोगों को ज्वाइनिंग दिया। अब बचा कितना पोस्ट, 50 पोस्ट बचा, ये तो हो गया ना कंप्लीट। अब फिर 100 में से कितने लोगों को बुलाएगा, 50 लोगों को फिर से बुलाएगा, 100 लोग बचा है ना, 100 लोगों को बुला लिए थे लेकिन 50 लोग ही ज्वाइनिंग किए, 50 लोग नहीं गए, मतलब 50 पोस्ट रिक्त रहा। अब 50 लोगों को फिर से बुलाया 50 पोस्ट, लेकिन यहां से केवल 30 लोग गए, उसके नीचे के लोग, बचा कितना, 20 लोग बचा, ठीक है। फिर 20 लोगों को बुलाया गया 50 पोस्ट, 20 पोस्ट के लिए 20 लोगों, लेकिन एक भी नहीं गए, एक भी नहीं गए, उनका भी दूसरे विभाग में हो गया हो रहा होगा, वो लोग भी नहीं गए, ठीक है, नहीं गए। तो फिर से हमारे पास 20 बचा, 0 लोग गए। अब कितने पास बचा हमारे पास, फिर 20, केवल 20 पोस्ट बचा है, 180 जने को तो बुला लिए, अब केवल 200 लोग गए थे सत्यापन में, उनमें से केवल 20 लोग बचे हैं, ठीक है, और 20 में से नीचे का केवल 10 लोग गए, तो अब बचा कितना, 10 पोस्ट बचा। अब 10 पोस्ट किसके लिए, जो 200 लोग सत्यापन के लिए गए थे, 200 लोग सत्यापन के लिए गए थे उनको तो पूरा बुला लिया, लेकिन फिर भी 10 पोस्ट अभी भी बचा हुआ है, किसको बुलाएगा, चलिए बताइए। यदि इन्हीं में से जो 100 लोग डीएड बीएड नहीं थे, वो लोग पेपर नहीं दिलाए रहते, तो सोचिए 10 लोग कौन होते, 10 लोग कौन होते, ये होता 304, 305, 306, 307, 308, 309 और 310। ये जो डीएड बीएड टीटी है इनको सत्यापन में जाते कि नहीं जाते, या 100 लोग पेपर नहीं दिलाते, 100 लोग जो डीएड बीएड किए हैं उन लोगों को बुलाया रहता कि नहीं बुलाया रहता, सत्यापन बुलाया रहता ना। तो ये जो डीएड बीएड और टीटी किए हैं उनको तो बुलाया नहीं गया है ना, केवल यही तक बुलाया गया है 90 तक। अब ये 10 पोस्ट रिक्त रह गया, क्योंकि सत्यापन के लिए दोबारा कभी नहीं बुलाते, सत्यापन केवल 1:3 ने बुलाए हैं तो 1:3 ने बुलाएंगे, यदि 1:5 ही बुलाए हैं तो 1:5 में ही बुलाते रहेंगे, चाहे पद रिक्त क्यों ना आ जाए, कभी भी दोबारा लिस्ट जारी नहीं करता सत्यापन के लिए। यदि ऐसा करता तो रेलवे में अभी इतना सारा पोस्ट खाली रहा है कि केवल जो अनुपात में बुलाया गया है उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उन्हीं को मतलब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। यदि वो रिक्त रह जाता है तो नेक्स्ट जब वैकेंसी निकलता है तो बैक लाग के रूप में उसको लिया जाता है। तो मुझे डर है कि ऐसा ना हो,
इसलिए मैंने बोला कि हमारा कंपटीशन पूरा 25,000 लोगों से है, ना कि जो डीएड बीएड नहीं किए उसके लिए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है ये, जो डीएड बीएड नहीं किए वो बीच में रहेगा, अच्छे नंबर आ रहे होंगे तो बीच में रहेगा, और जो डीएड बीएड किए हमारे साथी उसको चांस नहीं मिलेगा, इसलिए डर है। इस बात को समझो और सीरियसली हो जाओ, ऐसा है यार, समझो इसको, ठीक है। जहां तक मेरा अनुमान है ऐसा ही होता है, सत्यापन के लिए बार बार नहीं बुलाते, 1:3 में बुलाया है, मान के चलिए 1:3 में बुलाया है तो 1:3 में ही बुलाते हैं, या बुलाएंगे उन्हीं को काउंसलिंग बुलाएंगे, यदि रिक्त रहेगा तो और सत्यापन के लिए नहीं बुलाते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन यदि सत्यापन के लिए बुलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि सत्यापन में और बुला लेते हैं, तो अगर नहीं बुलाते हैं तो हमारे लिए खतरा है, बुलाते हैं तो कोई खतरा नहीं है, बुलाते हैं तो कोई खतरा नहीं है, अगर नहीं बुलाते हैं तो खतरा है। तो ऐसा है, चाहे वर्ग 1 के लिए हो, चाहे वर्ग 2 के लिए हो, चाहे वर्ग 3 के लिए हो, सभी में यही कंडीशन लागू होता है, ठीक है। तो आप समझे होंगे, तो कमेंट में आप रिप्लाई कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। कई लोग विज्ञान प्रयोगशाला के पूछ रहे हैं, विज्ञान प्रयोगशाला का अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन मानिए दिवाली तक का, दिवाली से पहले उनका आंसर जारी बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही।